मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में 26 जिलों में 6,080 करोड़ रुपए की लागत के 7,300 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपके समक्ष रखना चाहूंगा बहुत सारे कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास की कार्यवाही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और सभी सम्माननीय मंत्रीगण उनकी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। यह अवश्य वर्चुअल रूप से है। मैं शुरू करना चाहूंगा दुर्ग जिले में भूमि पूजन 5 कार्यों का लगभग 40 करोड़ राशि के, लोकार्पण के 16 कार्य हैं लगभग 29 करोड़ 68 लाख के, इस प्रकार कुल 21 कार्य हैं 69 करोड़। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। एक ही दिन में 6,000-7,000 करोड़ की राशि कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद अनेक काम हुए। हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में वादे किए उनको भी पूरा किया, जो वादे नहीं किए थे उनको भी हम लोगों ने शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं नई नई बनाई, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनी और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा भी गया। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटेल हो, मितानिन हो, गौठान के लोग हों, सरपंच हों, सारे लोगों के लिए योजनाएं बनी, न केवल मैदानी इलाके में वरन वनांचल के इलाकों के लिए भी सर्वाधिक योजनाएँ बनी। चाहे वो सड़क हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे नहर हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, अधोसंरचनाओं के विकास के क्षेत्र में मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि इन 5 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये के भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। और ये तो मात्र एक उदाहरण है कि आज एक दिन में पूरे प्रदेश के सभी 26 जिलों में 6,000 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन और उद्घाटन होना अपने आप में प्रमाणित करता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसने अपना काम सर्वहारा वर्ग के विकास को सामने रखकर योजनाएं भी बनाई और उन काम को पूरा भी किया। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, सबसे पहले तो आज कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे फैसले भी लिए गए। दूसरा, चिट फंड कंपनी में जो निवेश किए थे उसमें वापसी के काम बेमेतरा और कोरिया जिले में, और आज विकास कार्यों के भूमि पूजन शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए। 5 साल पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। 5 साल पूरा होते होते आपने देखा कि आज लोकार्पण 2,668 करोड़ के, शिलान्यास 606 करोड़ के और भूमि पूजन 2,805 करोड़ के, कुल मिला के 6,080 करोड़ रुपए की राशि का आज शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ लगातार निर्माण कार्य चलते रहे, दूसरी तरफ जो किसान हैं, मजदूर हैं, लघु उपज संग्राहक हैं, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविन्द्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, भाई अमरजीत जी, श्री रेरे जी, अनिला भेड़िया जी, साथी विधायक साथी आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, आदरणीय चक्रधर जी और उत्तरी जांगड़े जी, साथ ही जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे सीएस साहब, एसीएस साहब, सभी अधिकारीगण, जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, आज जो निर्माण कार्य के जो भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है,
इसमें आप देखेंगे 26 जिले में ये आज हम लोगों ने ये कार्य संपन्न किया। इसमें जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उसमें राशियों निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन शिलान्यास ज्यादा हुआ है। बलरामपुर हो गया, सूरजपुर, सूरजपुर में तो 734 करोड़ का हुआ है, बलरामपुर में 393 करोड़ का हुआ है। उसी प्रकार से जसपुर 444 करोड़ का हुआ है, दंतेवाड़ा 495 करोड़ का हुआ है, नारायणपुर 302 करोड़ का हुआ है। तो जो दूरस्थ अंचल हैं उसमें हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया, उस एरिया उस क्षेत्र में, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, सीमेंटीकरण की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, जितने निर्माण कार्य हैं हम लोगों ने उसे प्राथमिकता दी। उसके साथ साथ आम जनता के आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं और उसमें आप देखेंगे कि जब जब चाहे किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे वो कोदो कुटकी रागी उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, इन किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।